हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तक कर दिए थे। आज के सेशन में हम लोग 42 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, 42 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयुक्त आंकड़ों में शीघ्र एक्सेस देते हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है टूल बार, बी में है आपका मेनू बार, ऑप्शन सी में है विंडो, ऑप्शन डी में है फाइल्ड और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए टूल बार। तो टूल बार में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयुक्त आंकड़ों कमांडों में सीधे एक्सेस देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो एमएस वर्ड में जो बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है वो किस रूप में होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें क्या आंसर हो जाएगा आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी DOC के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। तो जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है वो क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है वह लाइन एक्सप्रेसिंग, बी है टेक्स्ट एक्सप्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है मर्जिंग चेन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, ISP का पूरा नाम क्या है। तो ISP का पूरा नाम क्या है आप लिखे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई फॉर इंटरनेट, एस फॉर सर्विस और पी फॉर प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो है ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 में देखेंगे, 53 में कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है संख्या को, ऑप्शन बी में है चिन्हों को और ऑप्शन सी में है दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन डी में है चिन्ह एंड संख्यात्मक सूचना को। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा चिन्ह एंड संख्यात्मक सूचना, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित चिन्ह को या संख्याओं को या चिन्हों को या डाटा को या एकत्रित डाटा को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकत्रित डाटा को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी CPU का भाग है। तो CPU का भाग पूछा जा रहा है, CPU का भाग पूछा जा रहा है। तो देखिए कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टिप है, ALU है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ALU। ALU का फुल फॉर्म भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 में प्रश्न है कि EDP क्या है। तो EDP का है यह पूछा जा रहा है, यानी इन द सेंस कि EDP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो E4 होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक, D4 डाटा और P4 प्रोसेसिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, कंप्यूटर में CPU क्या होता है। तो कंप्यूटर में CPU क्या होता है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर में CPU आप सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्राइमरी फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है वह बिल्कुल बी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, खाली स्थान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो देखिए इनपुट डिवाइस के अगर उदाहरण की बात करिएगा, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कीबोर्ड, ऑप्शन बी में मॉनिटर है, ऑप्शन सी में है माउस, ऑप्शन डी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग, ऑप्शन ई में है ए और सी दोनों। तो देखिए कीबोर्ड आपका जो है वह कहीं ना कहीं इनपुट है, माउस भी इनपुट है, जो कि हम देखिए ये माउस चला रहे हैं ना, तो ये भी इनपुट है। तो ऑप्शन ए और सी राइट आंसर है। मॉनिटर तो आउटपुट है ना, क्योंकि वो स्क्रीन दिखाता है, स्क्रीन में देखते हैं जो कि आउटपुट इंफॉर्मेशन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये दोनों, यानी ए और सी बोथ, यानी सी ई इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड इनपुट है ना, CPU में होता है। तो CPU में होता है खाली स्थान, ये क्या होता है बताइए। तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वह आपका इसमें सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 है, खाली स्थान न तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। इसमें क्या नहीं कर सकता है, इसमें जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर
बूट नहीं कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। जब आप किसी पेज में नया टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसका श्रेष्ठ पद्धति है, तो उसका श्रेष्ठ पद्धति क्या चीज़ है, तो उसका जो श्रेष्ठ पद्धति है वो क्या है पूछा जा रहा है। तो उसका जो श्रेष्ठ पद्धति है वो कट एंड पेस्ट है, कट एंड पेस्ट करके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63। वर्सिट कमांड का प्रयोग होता है, तो वर्सिट कमांड का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग सीक्वेंस में 2020 प्रश्न देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर है, आप समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।